गुरुग्राम में डेंगू और मलेरिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 49 डेंगू के मामलों का अभी तक सामने आ चुके हैं और 12 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिनको लेकर जनता टीवी के संवाददाता आकाश खुराना ने सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। गुरुग्राम में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है और किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम के सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव। उन्हीं से जानते हैं सर, लगातार जिस तरीके से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं तो किस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग है वो लोगों को जागरूक कर रहा है। हर बार की तरह डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग जो है हर 15 दिन में करी जाती है, जिसमें ना केवल हम अपने जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स हैं या सीएचसी या पीएचसी के इंचार्ज हैं उनको हम अवगत कराते हैं, बल्कि अन्य डिपार्टमेंट के साथ साथ सोशल मीडिया पे या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक पर भी आईईसी के माध्यम से लोगों को अवेयर कराने की कोशिश करते हैं। चाहे उसमें सुबह शाम उनको, खास करके जो बच्चे या बुजुर्ग हैं उनको बाहर जब निकलते हैं सैर के लिए, चाहे वो पूरी बाजू के कपड़े पहनने हों, चाहे मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाने हों, खास करके शाम को यदि आपके घर में मच्छर जाली के दरवाजे लगाने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं, और स्कूल में भी बच्चों को खास करके पूरी बाजू के कपड़े और फुल शर्ट जो है, फुल स्लीव शर्ट और पैंट पहनने के लिए प्रेरित करते हैं। स्कूलों में भी इस बारे में हमने लास्ट मंथ में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक मुहिम चलाई थी, जिसमें हमने बच्चों को एम्बेसडर के तौर पे आगे रखा ताकि वो अपने घर में, परिवार में और आसपास में, मोहल्ले में इस बारे में लोगों को अवेयर कर सके। सर, लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक तो कर रहा है, जैसे कि आपने बताया सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं अब अगर फिलहाल गुरुग्राम जिले की बात करें तो कितने जो डेंगू के मामले हैं वो फिलहाल गुरुग्राम में? 45 जो हैं वो डेंगू के केस ऑलरेडी इस साल अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। मेजॉरिटी हमारा वापस फिर वही एरिया है जो फरूख नगर, जो हमारी सीएचसी है उसकी, वजीराबाद पीएचसी कहूँ और गुरुग्राम विलेज कहूँ और दौलताबाद, इस पर्टिकुलरली इस एरिया में, इस बेल्ट में केसेस पहले की तरह इस बार भी वहीं ज़्यादा पाए गए हैं। इस बार फॉगिंग जो है वो हमने केस बेसिस पे, जहाँ पर डेंसिटी केसेस ज़्यादा हैं वहीं पर हमने निर्धारित किया, उस फॉगिंग का ज़्यादा ध्यान वहाँ रखा जाता है। इसके अलावा हमने सभी इंस्टीट्यूट्स में, हमारे 41 जो हैं इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें सभी में रैपिड रिस्पॉन्स टीमें गठित की हुई हैं, और जो टीम्स हैं वो उन्होंने तकरीबन, इसके अलावा हमारे MPW आशा ANM ने मिलकर तकरीबन 18 लाख के करीब घरों को ऑलरेडी जो है वो सर्वे किया है, 2 लाख से ज़्यादा मलेरिया से रिलेटेड या ब्लड स्लाइड्स जो हैं वो बनाई हैं, तकरीबन 4000 लोगों को हमने चलान दिए हैं, नोटिस सर्व किए हैं, 86 लोगों को चलान दिए हैं, 4000 को हमने नोटिस सर्व किए हैं, और 86 जगह लार्वा पॉजिटिव पाया गया, उन पर फाइन का प्रावधान किया जा रहा है। हम कोशिश यही करते हैं कि लोगों को प्रेरित करें कि पानी खड़ा ना हो, और एटलीस्ट सप्ताह में एक दिन, खास करके संडे को, वो ड्राई डे अपनाएं, और हमने साथ साथ टेस्ट के रेट जो हैं वो भी निर्धारित किए हुए हैं कि 600 रुपये से ज़्यादा आप डेंगू के टेस्ट के लिए आप नहीं ले सकते। सिविल हॉस्पिटल में हमने, यदि आप हरियाणा के निवासी हैं तो आपको प्लेटलेट्स की जो है सुविधा उपलब्ध है, मुफ्त उपलब्ध है। बाहर भी हमने उसके जो रेट प्लेटलेट्स के निर्धारित किए हुए हैं, वो चाहे RDP हो, SDP, खास करके SDP बाहर हमने 11,500 रुपये में सब डिसाइड किया हुआ है, हॉस्पिटल से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। सिविल हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट है, यदि आप कहीं बाहर के रहने वाले हैं या अगर बाहर भी आप एडमिट और सिविल हॉस्पिटल में अपना डोनर लेकर आते हैं तो हम 8,500 रुपये में ही ये SDP और जो हरियाणा से बाहर के निवासी उनको भी उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए, ये थे मेरे साथ गुरुग्राम के सिविल सर्जन, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि लगातार लोगों को डेंगू के प्रति जो है वो जागरूक किया जा रहा है सोशल मीडिया। गुरुग्राम में डेंगू के 45 मामले जो हैं वो अभी तक सामने आए हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर सतर्क नजर आ रहा है। गुरुग्राम से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना, जनता TV, गुरुग्राम।